अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि सुबह उठते ही स्त्री की कौन सी एक चीज छूने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि स्त्रियों के लिए बेहद खतरनाक है ये तीन चीजें। दोस्तों स्त्रियां इन तीन चीजों से हमेशा बच के रहे, नहीं तो उनका पूरा घर हो सकता है तबाह और बर्बाद और आ सकती है भयंकर कंगाली। चाणक्य नीति शास्त्र में मनुष्य के कल्याण के लिए कई सारे सूत्र दिए गए हैं। इन्हीं सूत्रों में चाणक्य ने स्त्रियों के लिए तीन चीजों को सबसे खतरनाक बताया है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस घर में गुणवान स्त्री होती है तो वो घर स्वर्ग के समान होता है। आइए जानते हैं चाणक्य के अनुसार किन तीन चीजों से स्त्रियों को हमेशा ही दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी जय माता दी, ताकि माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों पहली चीज है अहंकार। अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य के अनुसार स्त्री को अहंकार से बचना चाहिए। अहंकार से स्त्री के घर में सुख समृद्धि धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उसके घर से लक्ष्मी और माता सरस्वती रूठ जाती है। इसलिए चाणक्य ने अहंकार को स्त्रियों के लिए बेहद खतरनाक बताया है। दूसरी चीज है अज्ञानता। अज्ञानता स्त्री के लिए अच्छी नहीं होती। चाणक्य के अनुसार स्त्री को ज्ञानवान होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि समाज निर्माण में स्त्रियों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। शिक्षित और ज्ञान से पूर्ण स्त्रियां ही समाज को नई दिशा प्रदान करती है। वे इन गुणों से घर को स्वर्ग बनाती है, जबकि स्त्री की अज्ञानता से सभ्य समाज की कल्पना करना असंभव है। तीसरी चीज है लालच। चाणक्य के अनुसार स्त्री को लालच से दूर रहना चाहिए। ये अवगुण स्त्री के परिवार को नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार जब स्त्री लालच करने लगती है तो वो घर की सुख शांति को नष्ट करने लगती है। लालच के कारण परिवार में ग्रह कलेश देखने को मिलता है। कैकई को भी पुत्र मोह का लालच हुआ था, जिसके कारण पूरे अयोध्या में अशांति का वातावरण छा गया था। इसलिए दोस्तों स्त्रियों को इन तीन चीजों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि स्त्री का कौन सा एक अंग पकड़ने से सोई हुई किस्मत जाग जाती है। दोस्तों हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। देवी का दर्जा प्राप्त महिला के सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों के द्वारा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता भी मिलती है। पर क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर आप स्त्रियों के शरीर के इस खास अंग को छू लेते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आपको बताते हैं कि स्त्री के किस अंग को छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग सकती है। दोस्तों हर एक व्यक्ति के जीवन में स्त्रियां उसके साथ कई स्वरूप में रहा करती है। एक स्त्री ही किसी भी व्यक्ति की माँ होती है तो किसी की बहन और किसी की बहू होती है। अलग अलग रूप में स्त्रियां व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाने का काम किया करती है। स्त्रियों के बगैर पुरुष का इस धरती पर अस्तित्व भी संभव नहीं है। एक स्त्री ही पुरुष की हर एक खुशी और दुख में उसका साथ निभाती है। इसके साथ ही एक स्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ते हैं। जीवन में आने वाले हर एक दर्द को आराम से सह लेने वाली एक स्त्री विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी हंसी खुशी झेल लेती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखने वाली लड़कियां अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने का भी काम करती है। इसके अलावा एक स्त्री अपने वंश को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती है। एक साथ कई कार्यों को करने वाली स्त्रियों के पैरों में बहुत बड़ा राज छुपा होता है। ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को अपने सारे जन्मों का पुण्य भी मिल जाता है। उसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। दोस्तों सुबह सुबह स्त्रियों के पैर छूने से मिलने वाले आशीर्वाद की वजह से व्यक्ति के जीवन से निराशा का अंत होता है और उसके कारण व्यक्ति के अंदर
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और ऐसे व्यक्तियों से हमेशा देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां आती रहती हैं और सफलता ऐसे लोगों के कदम चूमती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी ऐसा करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।